नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ डॉक्टर गौरव कुमार और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो फिलहाल हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। देखिए, नशा खा के एक आदमी धूप पड़ा हुआ है यहाँ पे। और गुड मॉर्निंग सर, पढ़ाई हो रहा है नहीं लोग का? किट्टू विट्टू पढ़ाई कर रहे हैं सर के साथ, और साथ में ओवर एक्टिंग का भी ट्रेनिंग लेते हुए। किट्टू हाय बोलो, गिरीशा हाय बोलो, गिरीशा हाय बोलो। हम लोग तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। हमारे साथ हैं हमारे एडिटर, जो तो गाड़ी साफ कर रहे हैं। हम लोग निकलते हैं बस, अभी 7:15 हो गया है। मैडम आती है तो मैडम का वेट करें। आपको पंडाल दिखा देता हूँ मैं यहाँ का। दिख रहा होगा शायद मेरे बैकग्राउंड में। चलिए बाय बाय। हम लोग चल चुके हैं फिलहाल। हमारे साथ हमारे ड्राइवर साहब हैं गुड्डू पासवान जी, और ये है एडिटर। ये राजगीर का अभी तक शूटिंग का अभी तक एडिटिंग नहीं किए हैं। 3 महीना होने को जाए, पता नहीं अगले साल तक तो पक्का हो जाएगा। और ये है मैडम। अभी माता का पट आप लोगों को दिखाएंगे, माता रानी का दर्शन यहाँ पे नहीं खुला है, खुल गया है शायद। खुल गया। देखो तो खुल गया। इसलिए माता रानी का दर्शन करते हो चलते, एक बार जय माता दी बोलते हो चलते हम लोग सब लोग। नहीं, माता रानी का देखिए, बाकी सब लोग का खुला हुआ, माता रानी का पट बंद है अभी। कोई बात नहीं, हम लोग प्रणाम कर लेंगे मन से। देखिए, जय हो माता रानी, जय बजरंगबली, जय भोले शंभू। हम लोग आधे रास्ते में आ चुके हैं और अभी हम लोग पहुंचने वाले पटना, और फिर आपको बताते हैं पटना से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आपके लिए सरप्राइज है, आपको गेस करना हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अभी फिलहाल बज रहा है 8, तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं पटना। और पटना पहुँचने का फिर हम लोग मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अप्पू जी के घर पे, आपको मिलवाते हैं अप्पू जी से। देखिए अप्पू जी भी हैं। गुड मॉर्निंग अप्पू जी हैं। गुड मॉर्निंग। अभी अप्पू जी का घर है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं पटना, और पटना में हम लोग के टीम में 2-4 मेंबर और जुड़ गए हैं। सबसे पहले ये है, ये आदिमकालीन युग की महिला, ये अमेरिका से आई हुई फॉरेन टूरिस्ट, और ये हवाया के इंसान पवन, और एक और तो आप जानते हैं इनको, ये है अंकित, एडिटिंग चला रहे हैं गुड्डू भैया। तो हम लोग अभी पहुंचने वाले एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ जाम लगा हुआ है। पता नहीं हम लोग पहुंचेंगे या नहीं टाइम से, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अंकित क्या लगता है, पहुंच जाएंगे टाइम पे? बिल्कुल, कहीं फ्लाइट पकड़ के तो नहीं जाना पड़ेगा अफगानिस्तान के जैसा? जहां गुड्डू जी है वहां कहीं छूट गया था, गाड़ी से निकल जाएंगे। गुड्डू जी कोई टेंशन नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग टाइम पे पहुंच पाते या नहीं। अभी बज रहा है 11, पटना में है काफी जाम। हम लोग धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जाम। ये बार हम लोग का ब्लॉग बहुत अच्छा बनाए गए अंकित एडिटिंग। ये जब अच्छा बोलते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है। गाइस आप देख सकते हैं हम लोग पहुंचने वाले हैं पटना एयरपोर्ट। एयरपोर्ट या हेयरपोर्ट? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट नहीं, हवाई अड्डा। थैंक यू। हम लोग पहुंचने वाले हैं हवाई अड्डा, और हवाई अड्डा से हम लोग जाने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है? हमारे साथ तीन, देखिए तीन विशेष लोग बैठे हैं एक लाइन से। बहुत ही मजा आ रहा है, 2 साल बाद हम लोग अभी फ्लाइट में बैठे हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सही में ये बात सही है, हम लोग दो साल के बाद हम लोग फ्लाइट पे फाइनली बैठ रहे हैं। हम लास्ट टाइम कब बैठे थे फ्लाइट पे? जब हम लोग दुबई गए थे 2019 25 अक्टूबर को। गलत डेट है 4-3 अक्टूबर गए थे, 3-6 3-4-5-6 आप सोच के बोलिए किसको बोल रहे हैं।
मंगल पांडे का देखिए क्वार्टर है, मंगल पांडे का घर है, मेरा घर वाला शादी वाला भी, आपका शादी वाला आगे है, मेरा शादी वाला ये वाला है, ये थोड़ी आगे यही वाला आगे वाला है, इसी में मेरा शादी हुआ था, ये वाला यही है मेरा मायके और ससुराल पैलेस वही हो गया, यही पे उतार दिया जाए आपको, हाँ नहीं ऐसे थोड़ी चुके हैं पटना एयरपोर्ट पे और सब लोग अपना सामान का झोला लेके तैयार हो चुके हैं, चलिए हम लोग चलते हैं अंदर। ये है द ब्यूटीफुल लेडीज और हम यहाँ से निकलेंगे अपने मंजिल की ओर, तो चलिए दिखाते हैं आपको हम बैग व्यू। हम लोग तैयार हैं, सब अपना अपना आधार कार्ड लेते हुए, हमारी पूरी टीम रेडी है, सब लोग ये हमारे टीम लीडर हैं सबसे आगे, टीम के बाकी मेंबर्स आधार कार्ड निकाल लिया अपना, हम लोग एयरपोर्ट के जाने के लिए दिखाना पड़ता है। अब तो यहाँ सामान को चेकिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे आप नहीं देंगे, क्या बोले क्या चार्जर बोल गए, बोर्डिंग पास निकालना है हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग पास निकालने के लिए, लाइन में निकाल देता हूँ। UIN हमारे साथ सब लोग खड़े हैं अभी, आपको बोर्डिंग पास आपका भी दिखाना चाहिए ना, आपका नाम हेलो, देखिए यहाँ बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं, ये हमारे डॉक्टर गौरव कुमार सर, निकालिए सर बोर्डिंग पास, ये रहा बोर्डिंग पास, ये मशीन से बोर्डिंग पास निकल चुका है मेरा, और अभी ये प्रियंका जी का निकला बोर्डिंग पास, ठीक है सर लाइए बोर्डिंग पास, अब आपको मशीन से निकालना होगा क्योंकि काउंटर से निकालने में आपको 200 रुपये चार्ज लगेगा मेरा। मैडम का जी और आप निकलेगा मिस्टर अंकेश का, और डीसी का मिस्टर के पास मिशन नहीं है, हमको मिशन लेके आना चाहिए था, घराना आ गया पढ़ा लीजिए मजाक, आज का जमाना बदल गया, मिशन नहीं मिस्टर भी ला सकते हो। ये रहा बोर्ड, ये मिल गया बोर्डिंग पास, और ये बोर्डिंग पास हम लोग निकल चुके हैं अपनी ओर मंजिल की तरफ। हम लोगों ने बोर्डिंग पास प्रिंट कर लिया है और हम जो है अब बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। अंकित आ जाओ, अरे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है,
हम पहुंच चुके हैं फ्लाइट में। तो फाइनली हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं। हमारे साथ हैं पूजी जो हमारे सीट पे हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप लोग? अब कुछ देर में हम लोग यहाँ से प्लेन से निकलेंगे और एक घंटे में पहुँच जाएंगे। गेस कीजिए कौन सा जगह है जहाँ हम लोग पहुँचेंगे। एक घंटा गेस करने में 500 रुपये इनाम है। हाँ चलिए, गिव अवे मेरे तरफ से। ठीक है, तो हम लोग का प्लेन अब कुछ देर में टेकअप होगा यहाँ से पटना टू डैश। नहीं बताएंगे फिलहाल। हम अपने सीट पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं प्लेन का टेकअप होने का। ठीक है, हम लोग का ये टोटल रहो देख लीजिए, फुल वहाँ से लेके यहाँ तक बुक। वो हमारे सर, हेलो सर, अरे प्रियंका जी, और हमारे मैम, हेलो। अरे देखिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और हम भी। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है और हम लोग अभी हवा में हैं, सब लोग सो रहे हैं। फिलहाल हम लोग हवाई जहाज के अंदर हैं, हवाई जहाज उड़ रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। अब कुछ ही मिनटों में हम विमान से बाहर निकलेंगे और फिर मैं आप सबसे मिलता हूँ। We have arrived on our destination. देख ले हम लोग की पहली हवाई यात्रा, मेरी नहीं, हमारे साथ पहली हवाई यात्रा का समापन यहाँ होता है और यहाँ से शुरुआत होती है। बाहर और कुछ ज्ञान देंगे आप?
सर गैलो मजाक उड़ा रहे हैं। आ गए हम लोग, ये देखिए तो हमारे कदम पर गए हमारी मंजिल वाली राह। हाँ, और हम बताएंगे नहीं, दो देवियाँ आगे एक देवता हमारे साथ, एक जो है सीढ़ी से जा चुके हैं। स्मार्ट पीपल सेलेक्ट स्मार्ट चॉइसेस। ये है अराइवल सेक्शन ऑफ रांची एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, आप देख सकते हैं खूबसूरत सा अराइवल सेक्शन। हमारे देवता देवी सब लोग साथ में हैं और मेरा काम है वीडियो बनाना, यहाँ पे व्लॉग बनाना। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुँच चुके हैं रांची में और थोड़ा मैं मास्क हटा देता हूँ, खूबसूरत इंसान मास्क अच्छा नहीं लगता है एकदम। और हम लोग बैग लेने वाले हैं अभी, आप देख सकते हैं अराइवल सेक्शन बहुत अच्छा है। आ गया जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वेट कर रहे हैं बैग्स का। बैग्स का कलेक्शन हो चुका है, सब लोग बैग कलेक्ट कर रहे हैं, बैग को ट्रॉली पर रख रहे हैं और अब हम लोग चलेंगे बाहर की ओर। बैग रखा जा चुका है, गाड़ी है यहाँ पे, एक अप्पू जी के जान पहचान के हैं जो कि आ चुके हैं एग्जिट गेट पे। अरे बेचारा अकेले आ रहा है, उसको कोई मदद कर दो यार। हेलो, आ चुके हैं फिलहाल रांची में और ये हमारे सब लोग, कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे, सिक्स इंसान हमारे साथ हैं। पहुंचा दिए ना। तो अब कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे आके? नीक लगा ही है। पहुंच गए हम लोग रांची के शरीफ। और डर तुमको लग लग कि नहीं? डर फिलहाल तो नहीं लगा, लेकिन और को लगा है बहुत पटना में। ना ना, वो लोग को लगा, हमको नहीं लगा। रउआ से तो सब लोग डरा जाइए कि हाँ, तो सही बात है, डर को डर चाहिए। चलो चलो, हम तब आगे बढ़े हम सब। और ये हिंद का प्यारा झंडा लहराता हुआ गर्व से। हेलो फ्रेंड्स, आपको कौन सा चश्मा अच्छा लगा मुझे जरूर बताइएगा, ब्लैक वाला जो इसने चुरा रखा है अभी, या ये वाला जो मैंने प्रियंका जी से उधार लिया, दोनों में से कौन सा बेटर है? पर मुझे ऐसे देखने में बाय व्यू वो ज़्यादा बेटर लग रहा है, उससे कंफर्टेबल वो ज़्यादा है। तुम ट्राई करके देख सकते हो। अरे हमको गाड़ी आ चुकी है, हम लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। उधर एक झंडा ही था, देखते हैं, एक दिल में झंडा और एक वहां झंडा, वो कितना खूबसूरत लहरा रहा है, देखिए ना सर। हां सच में, हम लोग पहुंच चुके हैं रांची और यहां पे भैया बता रहे हैं कि यहां पे ज्यादा कोविड का पॉजिटिव नहीं है केसेस। भैया आपका नाम क्या है? श्यामलाल भैया बता रहे हैं कोविड ज्यादा यहां पे नहीं है और हम लोग आशा करते हैं कि पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से कोविड खत्म हो जाए और जल्दी लोग अपना फ्रीली इधर-उधर आ सके, जा सके, अपना जो बैक टू नॉर्मल लाइफ था उसको एंजॉय कर सकें। अभी कहीं आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, थर्मल स्क्रीनिंग करवाइए, सैनिटाइज कीजिए। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से ये कोरोना खत्म हो जाए और लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते। हम लोग बस इतना विश करना चाहते हैं कि जैसे नवरात्र इस साल आए तो अगले साल इससे भी अच्छा हो, कोरोना मर जाए। हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ तो बोलो, तुमको अलग से इनवाइट करना पड़ेगा क्या? जी को थैंक यू। हाँ नहीं, हमको यहाँ रांची लेके आया है, आपको स्पेशल थैंक्स, जब हमको इनवाइट किए। वाओ, दूसरी बात वीडियो नहीं बोलेंगे। अरे यहाँ तुमको तो तुमको नहीं लाते तो फिर दिखाते किसको? अच्छा, यानी दुनिया के हम ही खराब है क्या दिखाने के लिए?
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे शायद। यस वी आर ऑन ग्राउंड फ्लोर। हमारे टीम में एक नए मेंबर जुड़ गए हैं जिनका नाम है सू। ये है सू। चलिए चलिए फिर हम लोग जा रहे हैं अभी सर्विंग करने। रांची में घूमने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या है आपको दिखाता हूँ मैं। फिलहाल तो हम लोग होटल से बाहर निकल रहे हैं।